लगी 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 आग लग गई। गाइस यार ये है एक खिलौने वाली कार जो कि है इस तरह से चलती है, आपने जरूर चलाई होगी, कमेंट में जरूर बताना। ये है इसकी चाबी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है इसमें, कोई सेल बैटरी नहीं गिरती, और इसको ऐसे घुमाने से और चाबी हो जाती है दो चक्कर में तीन चक्कर में पूरी। और ये चली कार अपनी, भाई देखो कितनी अच्छे से भागती है, लेकिन इसको हम अपने तरीके से भगाएंगे, पता कैसे। इसमें अगर लगा दें रॉकेट तो ये बन जाएगी रॉकेट कार। रॉकेट की स्पीड से देखते हैं दौड़ती है कि नहीं दौड़ती। आप ऐसा घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, हम हैं ट्राई करने के लिए। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो आपकी तरफ जो भी वीडियो है सबसे पहले आ जाए। तो चलो इसमें रॉकेट लगाते हैं। तो हमने जी रॉकेट ले लिए बहुत सारे, लेकिन इसमें एक लगाएंगे तो बहुत ही भयंकर होने वाला। आप घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मैंने एक रॉकेट की जो डंडी होती है, जो ये स्टिक होती है, वो उतार दी। तो इस पे ट्राई करेंगे ऐसे कुछ ऐसे करने की, देखते हैं एक ही तरफ दौड़ती है या फिर कुछ और करती है। तो ऐसे रॉकेट को लगा दूंगा मैं इसके ऊपर, और ऊपर से लगाऊंगा जी टेप। तो भाई देखते हैं, इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दें, पेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो ये लो जी, ये अपनी लग गया टेप। तो मजबूती के लिए मैं एक दो टेप और लगा देता हूँ ताकि जो अपनी आतिशबाजी है वो उतरे ना। तो अभी जो रॉकेट है वो रेडी हो गया, ये बन गई अपनी रॉकेट वाली कार जो कि दौड़ेगी भाई रॉकेट की स्पीड से। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होने वाला है इसके साथ। तो अपने पास रास्ता बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से काम नहीं बना तो दूसरी बार दो लगाएंगे, फिर देखते हैं कितनी दूर दौड़ती है। तो गाइस जो हमारा रॉकेट वाली कार है वो बनके रेडी हो चुकी है, आप लोगों ने देख ली। तो अभी है इसको जलाने की बारी, तो देखते हैं कितनी दूर तक भागती है। लो जी इसको जलाते हैं, तो देखते हैं रॉकेट को लगाते हैं आग। तो लगी 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 आग लग गई भाई। ओ लगाते हैं आग, तो लगी 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 आग लग गई भाई। तो गाइस यार आप देख सकते हो कि ज्यादा दूर तो नहीं गई वहां से, यहां तक कोई 4-5 मीटर का फासला होगा। लेकिन गाड़ी का आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से एक गलती हो गई कि ये पटाखे वाली थी, तो मैं लाया था बिना पटाखे के, लेकिन ये पटाखे वाली निकली। तो इससे जो है थोड़ा बहुत तो इसकी लाइटें वेटे भी उखड़ गई। तो आपने देखा कि एक रॉकेट से तो बात थोड़ी कम बनी, 4-5 मीटर तक गई, पटाखा जल गया। तो अभी बारी है जी दो रॉकेट लगाएंगे, ठीक है जी दो रॉकेट लगाएंगे। मेरे पैर की भी हड्डी टूटी हुई है इसलिए मुझे भागा नहीं जाता। तो सबसे पहले उसी पहले की तरह डंडी निकालेंगे इसकी, ठीक है जी एक और ये निकल जा। ओ भाई एक मिनट, ये निकाल ही देता हूँ अभी, तोड़ देते हैं चलो। तो ये हो गया दो, तो इस बार दो लगाएंगे और वो अगली बार करेंगे, एक मन में आइडिया आ रहा था। तो इस बार मैं को लगाऊंगा जी दोनों तरफ, एक इधर नहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऊपर लगाएंगे ऐसे लगाएंगे। तो अभी लगाएंगे जी दो टेप, कहाँ है मेरी, अभी दो रॉकेट लगने वाली बारी है। इसमें ना पटाखे हैं तो इसमें पटाखा चलता है, वैसे तो रॉकेट में सभी पटाखा चलता है। तो दो लगाएंगे तो देखते हैं जी क्या वीडियो बनती है। तो वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना यार इसी बात पर। तो फिर से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि घर पे ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करना, हम सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, सेफ्टी फुल रखते हैं फिर करते हैं, ठीक है जी। तो आप घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। हमने कमरे कुमरे के दरवाजे सारे बंद कर दिए ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। तो आप घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तो इसको थोड़ा टेप और लगा देता हूँ, पिछली बार था जो एक रॉकेट ने अपना टेप था वो उतार दिया था, फाड़ दिया था मतलब। तो
लो जी टेप हो गया पूरा, तो ये चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखते हैं इस बारी दो रॉकेट क्या कमाल करते हैं। तो इनका जो फ्यूज है वो थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि दोनों में एक टाइम पे जो आग लग सके, ताकि थोड़ा सा चलाने में आसानी हो जाए। तो गाइस यार ये दोनों रॉकेट हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, तो अभी लगाने की बारी है आग। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इसको लगाते हैं दोनों को आग। ओए दोनों लग गई, दोनों दोनों लग गई, दोनों लग गई। अरे यार बहुत भयंकर हो गया, एक तो जहीं पे भागते हुए मेरे चोट भी लग गई, एक तो भागते हुए जहीं पटाखा चल गया और एक थोड़ा दूर गया, गाड़ी की हालत आप देख सकते हो। एक तो यार तुरंत ही फट गया क्योंकि उसका जोर लगा था बहुत, तो जोर लगने की वजह से यहीं पे फट गया। और दूसरा थोड़ा उसने गाड़ी को, क्योंकि एक साइड पे लगा था तो गाड़ी को ना ऐसे टर्न कर दिया, अगर दोनों इकट्ठे चलते फिर तो गाड़ी भागती बहुत दूर तक। तो आपको यार वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं जी, जय हिंद।